गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज शान अली खान वंस अगेन फॉर यू एंड आई एम फ्रॉम 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार एंड नाउ आई एम विथ मिस्टर प्रवेश सर एंड ही इज रनिंग स्टेटर हियर, यू कैन सी हॉस्टल युवा प्रोग्राम राइट। सो मैं जानना चाहूंगा सर कि ये जो प्रोग्राम बिहार गवर्नमेंट का है तो बिहार गवर्नमेंट में किन स्किल्स के ऊपर डिटेल लिखा हुआ है, जैसा कि मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज है, आप इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए सर लोगों को। सबसे पहले आपको तहे दिल से शुक्रिया कि आपने अपना कितनी समय निकाल करके आपने कुशल युवा प्रोग्राम के इसके बारे में जाना और इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने जो भी पहल की है इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुशल युवा प्रोग्राम बिहार सरकार का सबसे अनूठा कार्यक्रम है जिसके तहत बिहार के युवाओं के लिए बिहार सरकार ने बहुत ही सुनहरा कार्यक्रम कुशल युवा प्रोग्राम बिहार के बच्चों के लिए लाया है जिसमें उन्हें तीन कार्यक्रम यानी तीन पढ़ाई पढ़ाई जाती है। पहला तो हो गया कंप्यूटर का, दूसरा हो गया स्पोकन इंग्लिश और तीसरा मुख्यमंत्री का ही कार्यक्रम है वो है सॉफ्ट स्किल। बिहार के बच्चे सॉफ्ट स्किल में बहुत पीछे रहते थे, उनका कॉम स्किल बहुत पीछे था, तो सॉफ्ट स्किल के माध्यम से कम्युनिकेशन गैप जो है उसको पूरा करने के लिए सॉफ्ट स्किल का क्लास आया। ये 3 महीने का ही कोर्स है और इसमें बच्चों को 4 घंटा प्रत्येक दिन क्लास करना होता है जिसमें वो डेली जो है 4 घंटा क्लास करते हैं, डेली कंप्यूटर और स्पोकन इंग्लिश की पढ़ाई होती है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा ये प्रोग्राम कब आई है सर कोर्स? ये प्रोग्राम 2016 में लॉन्च हुआ था और पूरे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहला कोचिंग अपना था जो 80 बच्चों के साथ में पहला बैच प्रारंभ हुआ था और अब तक इस 4 सालों में तकरीबन यहाँ से 1700 बच्चे क्वालिफाइड होकर के निकल चुके हैं और तकरीबन 650 बच्चों का प्लेसमेंट भी हुआ है विभिन्न सेक्टर में। कुछ रिलायंस में गए हैं, कुछ आपको जियो में गए हैं, कुछ बच्चों ने अपना अपना छोटा छोटा फॉर्म फिल किया है, कुछ ने कॉन्टर्स, कुछ ने CSP लेकर के अपना ओपन किया है। यहाँ से बच्चे निकलने के बाद बहुत सारे सर्विसेज स्कूल में सेक्टर में भी दे रहे हैं। ये बिहार की जो 7 निश्चय योजना है उसके तहत क्या था? 7 निश्चय योजना के अधीन सबसे पहला कार्यक्रम आर्थिक हल युवाओं का बल। इसमें 3 कार्यक्रम था, पहला तो कुशल युवा प्रोग्राम 3 महीने का निःशुल्क प्रशिक्षण, दूसरा बच्चों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, वैसे बच्चे जो आगे की पढ़ाई पूरा करना चाहते हैं सरकार उनको 4 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड देती है जो बिहार के UGC एफिलिएटेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। और तीसरा सबसे बेहतरीन कार्यक्रम है बेरोजगारी भत्ता, जो बच्चे इंटर पढ़ के पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो सरकार उनको 24 माह तक प्रत्येक माह 1,000 रुपए देती है। बहुत अच्छी योजना सर। मैं ये चाहूंगा सर, जो आप समाज में इस वक्त देख भी रहे हैं मुझे सोसाइटी में कि पेरेंट्स जो है ज्यादातर इंजीनियरिंग या मेडिकल दो चीज पे फोकस करते हैं राइट, तो उन पेरेंट्स के लिए आपका क्या सुझाव रहेगा सर? क्योंकि स्किल्स बेस्ड एजुकेशन होना आज का आपका ये बन चुका है, आपको होना ही चाहिए। सबसे पहली चीज अब पहले के और अब के तकनीक में बहुत फर्क है, तो अब जो जनरेशन है ना उस जनरेशन को बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन डेवलप करना होगा। IT सेक्टर में उनको एक IT सेक्टर एक हब है, वहाँ कैरियर उनको बनाना है, या मेडिकल क्षेत्र में जाना हो या बड़े कोर्सेज के लिए उनको प्रिपरेशन करना हो तो पहले तो वो सबसे पहले वो इंटर के एग्जाम के बाद वो सरकार के ITI सरकार के क्रेडिट कार्ड का लाभ उठाए। क्रेडिट कार्ड के लाभ उठाने के बाद वो जो है वो किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अपना नामांकन के लिए उस कार्यक्रम का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा ले। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक हमारी संस्था चलती है 21st सेंचुरी एजुकेशन ऑफ बिहार, इसी तरह का हम लोग भी प्रयास करते हैं सर कि जितने भी लोग हैं जैसे कोई बाल ही काट रहा है उसमें एक स्किल से, आप जावेद अभी को देख लो करोड़ों रुपए कमा रहा है उसी स्किल से, लेकिन यहाँ पे समाज में थोड़ा सा ये दिक्कत है क्या कि वो बाल काट रहा है तो थोड़ा सा कम दर्जे का काम है ना, ये
लोगों की मेंटेलिटी बनी हुई कि ये काम जो है बेकार है, ये काम अच्छा है, डॉक्टर अच्छा बन गया या इंजीनियर अच्छा बन गया तो वही काम अच्छा है, इसके अलावा जितने भी दुनिया के काम है वो बेकार। नहीं, अभी इस कार्यक्रम के तहत एक और कार्यक्रम चलता है, वो है डोमेन स्किलिंग। बिहार सरकार के कई सेंटर है, लगभग हजारों के संख्या में सेंटर है पूरे ऑल ओवर बिहार में, और बिहार में ये डोमेन स्किलिंग का काम ही है छोटे छोटे रोजगार को उत्पन्न करना, जैसे जिस बच्चों का इंटरेस्ट है हेयर कटिंग में तो उसका शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, किसी का डेटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स है, उसी प्रकार की फूड पैकेजिंग का कोर्स है, हेल्थ अवेयरनेस का कोर्स है, कोई नर्सिंग कर सकता है, कोई आपको क्लासेस कर सकता है। इन छोटे छोटे लगभग 306 प्रकार के छोटे टर्म्स के कोर्सेज हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्स जो डोमेन स्किलिंग से चल रहे हैं, जिससे बच्चों को जॉब रेडियंस तैयार करके उनको मार्केट में दिया जा रहा है। ऐसा कभी फील नहीं कर रहा है कि ये छोटा काम है और इस काम में लोग मुझे ऐसा देखेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे 21वीं सदी और बिहार के लिए जो हमारी संस्था चल रही है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा काम 21वीं सदी तो बिहार के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन का पहल किया है जो आप चला रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप इसी तरह जमीनी स्तर से जो चीजें हैं युवाओं के बीच में आप प्रेजेंट करें, ताकि बिहार का युवा प्रगतिशील बने, बिहार के लिए देश के लिए उन्नति करे, और हमारे विभिन्न क्षेत्रों में जैसे एग्रीकल्चर क्षेत्र डिपार्टमेंट में कई स्कोप्स हैं, तो बिहार के युवा बढ़ चढ़ करके उस क्षेत्र को अपनाएं, नए नए तकनीकों को अपनाएं, अपने लेबर रिसोर्सेज को उसमें अपना योगदान दें, ताकि हम सब मिल करके एक सुनहरा बिहार और सुनहरा देश भारत को बना सकें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस चैलेंज। थैंक यू सो मच। जय हिंद।